बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिनका नाम ओ से शुरू होता है उनकी शख्सियत और मिजाज ऐसा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओ से शुरू होने वाले नाम की शख्सियत बताने से पहले हम मुख्तसर बताते चले कि इस चैनल पर हम मुख्तलिफ रूहानी मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ़, दुआ और तावीज़ात की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपका कोई भी रूहानी मसला हो जिसका आपको हल ना मिलता हो तो हमारे चैनल ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूहानी मसाइल के हल की नई और पुरानी वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सके। या किसी भी किस्म के रूहानी मसाइल के हल के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कायम करें। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो नाजरीन, आज के इस दौर में हमारे मुआशरे में मौजूद ऐसे अफराद जिनका नाम ओ से शुरू होता है उनके मिजाज में शर्मीलेपन का अंसर देखा गया है, इसीलिए ये जल्दी से किसी भी अजनबी इंसान से फ्रेंक नहीं होते, कदरे कम गोभी होते हैं, होशियार चालाक लोगों के साथ मिलने से कतराते हैं, अपनी शर्मीली अदाओं को छुपाने के लिए लोगों से बात करते वक्त फीकी मुस्कुराहट को चेहरे पर सजाए रखते हैं, इसीलिए लोगों को ये शर्मीले कम और हंसमुख ज्यादा नजर आते हैं। वो नाम वाले अफराद जिस महफिल में भी हों तो अलग थलग बैठना पसंद करते हैं, इसीलिए लोगों की नज़रों में आ जाते हैं और लोग इनसे रस्मन बातचीत करने के लिए इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। लोगों के सवालों का जवाब भी ये हाँ ना में ही देते हैं और अंदर ही अंदर पूरी तरह कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो नाम वाले अफराद के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि लोगों को इनकी शख्सियत में बोरियत नज़र आती है, इसीलिए बहुत से लोग इनकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते। हम आपको बताते चलें कि ओ नाम वालों की ये आदत, रवैया या शर्मीलापन सिर्फ उन्हीं के सामने होता है जिसे ये अपने दिल में फौरी जगह नहीं देते, मगर ये बड़े छुपे रुस्तम होते हैं जिससे दोस्ती कर लें या किसी रिश्ते से एक बार जुड़ जाएं तो उससे किसी चीज़ का पर्दा नहीं रखते और उन्हें खुश रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। ओ नाम वाले ये अफराद अपने मखसूस हल्का अहबाब को ही अपनी दुनिया समझते हैं और उस दुनिया में बहुत ही खुश रहते हैं। ओ नाम वाले अफराद इंतहाई अकलमंद होते हैं, फुर्सत के लम्हात को ज़ाया नहीं होने देते और ऐसी ऐसी प्लानिंग करते हैं कि अपने हों या अजनबी, मौके पर ऐसा छक्का मारते हैं कि सब हैरान परेशान हो जाते हैं, इसीलिए इनके अपने मखसूस दोस्त भी इन्हें छुपा रुस्तम मानते हैं और इनकी जहानत की दिल से कदर करते हैं, इसीलिए उन्हें जब कभी मुश्किल कामों को करने में दुश्वारी पेश आए तो वो ओ नाम वाले अफराद की तरफ ही रुजू करते हैं। ओ नाम वाले अफराद का ज़ाहरी रूप भले शर्मीला हो मगर इनकी जहानत पर मबनी सोचें इन्हें ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर नाम और शोहरत ज़रूर दिलाती हैं। इनकी शोहरत के भी दो पहलू होते हैं। बाज़ ओ नाम वाले अफराद अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, भले ही उससे दूसरों का नुकसान होता रहे। शोहरत तो उन्हें मिल ही जाती है मगर उस शोहरत की आड़ में ये दूसरों की राह में कांटे बिछाते ही चले जाते हैं और हर किसी की तनकीद और नफरत का निशाना बन जाते हैं, जबकि बाज़ ओ नाम वाले अफराद अपनी अकलमंदाना सलाहियतों के जौहर दूसरों पर अयां करते चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब कुदरत इन पर मेहरबान होकर इन्हें बाइज्जत मुकाम तक पहुँचा देती है। तो नाज़रीन, ये था ओ की शख्सियत के बारे में मुख्तसर सा अंदाज़ा। इल्मे गैब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास है। हमने आपको जो मुख्तसर सी खूबियाँ और खामियाँ बयान की हैं वो हमारे मुशाहदे का हिस्सा और एक कैफा यानी अंदाज़ा है, और अंदाज़ा ज़रूरी नहीं कि 100% दुरुस्त हो और ये भी नहीं कि 100% ही गलत हो। नाज़रीन, हमारा मुशाहदा आपकी शख्सियत के मुताबिक कितने परसेंट दुरुस्त है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।